किस किस के यहाँ पे इंडियन पेरेंट्स हैं? मैंने हर बार ये कोइंसिडेंस है मेरे साथ, जब भी मेरे ऑडियंस में इंडियंस आते हैं ना, उन सबके इंडियन पेरेंट्स होते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ मैं इंडियन, मेरी बहन इंडियन, पापा जिम्बाब्वे, मम्मी युगांडा। मैं जब भी अपने होम टाउन जाता हूँ ना, मेरे पाप मुझे बोलता है कि बेटा अपना घर तो होना ही चाहिए। कि बेटा जो लोग किराए के घर पे रहते हैं ना, उनकी कोई इज्जत नहीं करता। तो मैंने कहा आप भी तो किराए के घर पे रहते हो। क्या तभी तो कोई बेटा कोई इज्जत नहीं करता। तेरी माँ तक तो इज्जत करती नहीं है यार मेरी। मैंने कहा यार ये रीजन तो सही नहीं लगा, और कोई रीजन है तो बताओ। कहता बेटा तुम्हें पता है दीवारों के कान होते हैं, वो सारी बातें सुन लेते हैं फिर आगे बिचिंग करते हैं। ये आपने होश में कैसे बोल दिए? नहीं होश में नहीं हूं, तो टिका रखे दो तो मैंने होश में नहीं। मैं कहा पापा लेकिन पैसे कहां से आएंगे हमारे पास घर लेने के? पापा ने कहा मैंने सेविंग्स कर रखी है। कितनी सेविंग्स है आपके पास? का मैं बहुत 15-20 सालों से सेविंग्स कर रहा हूं। तो बताइए पापा ने क्या किया? पापा ने बेड खोला, बेड के अंदर जो स्टोरेज होती ना वो खोली, उसके अंदर ना एक गठरी पड़ी हुई थी, उस गठरी को निकाला। गठरी पता है ना, बेडशीट के अंदर अपन सामान डाल देते हैं, गठरी। हाँ गठरी निकाली। ओह भाई इतनी बड़ी गठरी, मेरे को भाई इतना पैसा है मेरे बाप के पास। मैंने खोला, अंदर 10-10 के नोट थे। पापा ने बोला टेंशन मत ले, अकाउंट में भी है मेरे पास, चल फ्लैट मिल जाएगा। देखो हम फ्लैट देखने गए, फ्लैट दिखाया उसने, बढ़िया बढ़िया 3 BHK था। पापा से पूछा कैसा लगा? ठीक है बेटा, कमरे थोड़े छोटे हैं पर कोई नहीं, कर लेंगे एडजस्ट कर लेंगे। तो उसने कहा कि आपका बजट कितना है? फिर पापा ने बजट बताया अपना, 9 लाख रुपए का। वो जमीन पे गिर गया हंसते हंसते, उसकी नस पे नस चढ़ गई। कहता 9 लाख का बजट है आपका? सर इसमें एक छोटी गाड़ी आएगी। कहते गाड़ी में अटैच वॉशरूम नहीं होता ना, अटैच वॉशरूम तो चाहिए। तो मैंने उस सेल्स पर्सन को बोला कि हमारे ख्वाब नहीं पूरे होंगे, फिर हम घर कभी नहीं खरीद पाएंगे। उसने कहा लोन ले लो ना आप, इतना तमाशा क्यों बना रखा है आपने? मैं कहा तो लोन दे दो। उसने कहा हम थोड़ी देंगे, बैंक में जाके लो। तो फिर हम गए बैंक में, हमने बोला कि घर चाहिए, लोन 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 दे दो। कहती हाँ लोन मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, अभी के अभी ले जाओ, पैसा जितना चाहिए उतना ले जाओ। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया बात है, दे दो फिर लोन दे दो। उसने कहा लाओ कागज दो घर के। मैं कहा नहीं घर के कागज तो तब आएंगे ना जब घर खरीद लेंगे, आप पैसा दोगे वो हम देंगे, फिर घर मिलेंगे, फिर कागज आपके पास आ जाएंगे। कहता नहीं नहीं अगर आपको घर खरीदना है तो पहले आपके पास एक घर होना चाहिए, उसके आप हमें कागज दो, फिर उसके बाद हम आपको लोन देंगे। ये तो फिर जिन जिन लोगों ने पहला घर खरीदा वो कैसे खरीदा होगा? वो तो फिर सबने कब्जा ही किया होगा। पापा ने बोला सुनो मेरी बात, जस्ट बिकॉज हमारे पास कागज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका लोन वापस नहीं करेंगे। हमारी नियत है, हमने आज तक जिससे भी पैसा लिया सबको रिटर्न किया है सूद समेत। सूद समेत कहा, वो लेडी सूट देते ना हम साथ में तो पैसे वापस रिटर्न कर देते हैं, एक सूट दे देते। तो यार फिर मैं गूगल पे सर्च करने लगा। यार जब भी तुम किसी चीज के बारे में सर्च करते हो ना तो अपने आप ही फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे उसके एड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे एक ऐसा ऐड दिखा, पिरामल फाइनेंस करके कंपनी है, तो मैंने वहां पे भी लोन के लिए अप्लाई कर दिया। तो पिरामल फाइनेंस की जो टीम है वो मेरे घर पे आ गई, वो सामने बैठे हुए थे। मैं ये बेइज्जत करेंगे चले जाएंगे, इनको कागज चाहिए, इनको कागज जितने हैं हमारे पास सारे रख दो। मैंने वो बैठे बातचीत करने से पहले मैंने सारे कागज रख दिए। मैं सर ये 8वीं की मार्कशीट, ये 10वीं की मार्कशीट, ये 12वीं की मार्कशीट, ये मेरे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, ये मेरी सेकंड ईयर की मार्कशीट, ये मेरे थर्ड ईयर की मार्कशीट, ये मेरा जो डोमिनोज का पिज्जा खाया था उसका। हम आपके बारे में थोड़ी रिसर्च करेंगे, आपको बैकग्राउंड चेक करेंगे। पापा आगे मैंने कहा बैकग्राउंड चाहिए क्या आपको? हम बता देते बैकग्राउंड, तो मेरा नाम है अमितेश मोरानी, हम सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है, 15-20-50 हज़ार साल पुरानी है। मोहनजोदड़ो के बारे में आपने सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, वो हमने ही बनाई थी, मेरे पूर्वजों ने बनाई थी, हमने खुद बनाई थी। हमारे पास उस जमाने में AC हुआ करते थे, वॉशिंग मशीन हुआ करती थी,
और घड़ा गाड़ी हुआ करती थी, वो सब हम ही चलाते थे, हमने पहियों का आविष्कार किया था। सिंधु नदी थी हमारे पास, वो नदी में बाढ़ आ गई, आज तक किसी का एक रुपया रखा है ना रखेंगे आगे जाके, बहुत बढ़िया लोग हैं, आज तक जिस जिससे पैसा लिया सबको सूद समेत वापस कर दिया। तो पिरामल फाइनेंस की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव आ रहे थे, तो उन्होंने कहा हम हिस्ट्री जानेंगे आपकी फैमिली की, आपकी सभ्यता की नहीं, आपकी आपकी हिस्ट्री, मतलब आपकी कुछ इन कुछ सालों की वो हिस्ट्री जानेंगे, उसके बाद अगर सब सही रहा तो लोन मिल जाएगा। एक ना एक होप आ गई हमारी आंखों में। तो उसके बाद कुछ दिन चला ये प्रोसेस, तो फिर उनकी तरफ से फ़ोन आया, कहते हैं आपका लोन अप्रूव हो गया है। बहुत खुश हुआ उस टाइम पे यार। मैंने कहा बैकग्राउंड चेक कर लिया आपने? उसने कहा हाँ, आपने जो भी मतलब आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं वो आपने हमेशा टाइम पे पे किए हैं, आपके जो भी छोटे मोटे लोन्स आपने पर्सनल लोन्स लिए थे वो आपने हमेशा टाइम पे किए हैं, और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो कागज़ लगेंगे, लेकिन सबसे मेन है आपकी नियत, तो आप दे सकते हो लोन वापस, तो आपको होम लोन ज़रूर मिलेगा। बहुत खुश हो गया यार। उन्होंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया था मेरा, लास्ट में मुझे बोले कि लास्ट में मुझे बोले पिरामल फाइनेंस वाले कि जो लड़की थी ना आपकी गर्लफ्रेंड जिसने आपको डंप कर दिया था क्योंकि आपके पास खुद का घर नहीं था, वो आपको डिजर्व नहीं करती। मैं कहा आपको कैसे पता ये बात? मेरा बाप बोला मैं कह रहा था ना बेटा किराए के घर की दीवारों के कान। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग, माय नेम इज मोहित, थैंक यू सो मच।